नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। ये हथेली एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, ये उनकी हथेली है। उनकी मैं थोड़ी सी एनालिसिस करूँगा और देखूँगा कि हथेली में ये कौन कौन सी रेखाएँ ये क्या कहती है। आइए शुरू करते हैं। इनकी हथेली में आयु रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती हुई निर्वाध होके मणिबंध की ओर जाती हुई दिखाती है। मणिबंध इनकी हथेली में चार की संख्या में, जो कि एक शुभ चिन्ह है, अच्छे चिन्ह होता है। और ये आयु रेखा पूर्णतः साफ सुथरी अवस्था में, जो ये दर्शाती है कि इनकी आयु शतायु होगी, माने ये लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। इनके हथेली में जो ये जानना चाह रहे हैं, इनके हथेली में कुछ ऐसे योग हैं जो इन्हें ये फंसा रहे हैं कि ये कर्ज में उलझे हुए हैं, तो ये जानना पड़ेगा। मंगल की रेखा, जब मंगल क्षेत्र से इस प्रकार की कोई रेखा आयु रेखा में आके आपके आयु रेखा को काट दे या काटने का प्रयास करे, तो ऐसे जातक को कर्ज लेने की समस्या आती है कि इन्हें कोई न कोई ऐसा कार्य पड़ता है कि इन्हें दूसरों से उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है। इस प्रकार की ये समस्याएं उत्पन्न करती है ये रेखाएं। तो ये रेखाएं इनकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिख रही कि मंगल से आती हुई रेखाएं। अगर ऐसी रेखा किसी जातक की हथेली में बन जाए तो उन्हें सब सावधानी बरतनी चाहिए किसी से उधार और कर्ज लेने में। ऐसी रेखाएं कर्ज को चुकाने में समस्या उत्पन्न करती है, कर्ज भी दिला देती है, लेकिन ये समस्या उत्पन्न करती है कि आप उस पैसे को कैसे लौटाएं, इसमें ये उलझाती है। ये रेखाएँ हों तो आप सावधान रहें। दूसरी क्या रेखा बनती है इनकी हथेली में कि एक एक चिन्ह बनती है इस प्रकार से। ये हमारी इनकी जो है भाग्य रेखा है, ये हथेली में ये भाग्य रेखा है। अब भाग्य रेखा में चंद्र से एक रेखा सपोर्ट देती है। ये चंद्र से एक रेखा सपोर्ट देना ये अच्छा और शुभ माना जाता है। ये बतलाता है कि ऐसे जातक अगर घर से दूर रह के कार्य करें तो विशेष प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं। लेकिन इनमें हो क्या रहा है कि इस रेखा को एक रेखा काट रही है, इसी रेखा अगर काट देती, ये भी एक संयोग बनाता है कि ऐसे जातक को किसी से उधार लेने का और कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, जो इन्हें बाद में एक समस्या का कारण बन सकता है। और एक चिन्ह जो होता है, हम चिन्हों की बात करते हैं कि हथेली में ये आकार, ये अगर आकार किसी हथेली में जातक के हथेली में गए इस प्रकार से फ्लैट सा हो, मैंने ऐसा लगे कि ये बिल्कुल सीधा सा हो, तो ऐसे जातक को कर्ज उतारने में काफ़ी समस्या होती है। हालांकि इनकी हथेली में ये थोड़ा गोलाकार दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, इसलिए इनका कर्ज तो उतरेगा लेकिन समय लगेगा। अब एक ये कर्ज की रेखा हो गई। अन्य कौन से चिन्ह होते हैं जो कर्ज के, मैं उनकी जब बात कर देता हूँ। इनकी हथेली में वो चिन्ह नहीं है लेकिन मैं बात करता हूँ। अगर किसी को केतु क्षेत्र से कोई रेखा इस प्रकार से निकले, दो भागों में बढ़ जाए इस प्रकार से, तो ऐसे जातक को भी कर्ज लेने से पहले सावधान रहना चाहिए, चूँकि ये कर्ज उन्हें लंबे समय तक समस्या में डाल सकता है, परेशान कर सकता है। ये राहु रेखा इस प्रकार से, अगर इस प्रकार ये मंगल क्षेत्र से निकलती हुई रेखा इस प्रकार से आयु रेखा को काटे, ये कर्ज आपको परेशान कर सकता है। अब भी कि कर्ज उतरेगा कैसे, आपका लोन कैसे चुकेगा, उधार कैसे चुकेगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी हथेली में भाग्य रेखा अच्छे अवस्था में हो, भाग्य शनि क्षेत्र का वाला क्षेत्र जो है हमारा भाग्य का क्षेत्र होता है, अगर भाग्य रेखा अच्छे अवस्था में हो तो आपका जो है साफ सुथरा हो, तो आपका कर्ज, आपका लोन, आपका उधार जो है वो समय से चूक जाएगा। लेकिन अगर हथेली में भाग्य रेखा इस क्षेत्र में ना हो, कमजोर हो, तो आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी कर्ज चुकाने में। तो इनके साथ भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि भाग्य रेखा इनकी यहाँ से बिल्कुल अच्छी चली है, लेकिन ये भाग्य रेखा ये आके यहाँ रुक गई है, मस्तिष्क रेखा के ठीक नीचे ये भाग्य रेखा पूर्णतः रुकी सी प्रतीत होती है। तो ऐसी भाग्य रेखा रुकने का अर्थ ये हो रहा है कि इनकी ये करीब करीब 35 साल के बाद से जो है इनके साथ जो है इनका भाग्य इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। 35 साल के बाद, 36 साल के बाद से इनका भाग्य इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, चूँकि इस क्षेत्र पर भाग्य रेखा बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही, साफ आ रही। तो इसका एक ही उपाय है कि इन्हें परिश्रम करना होगा, शुद्ध रूप से, अच्छे रूप से परिश्रम करना होगा, तो ही इनका ये कर्ज उतरेगा, इनका भाग्य इनको सपोर्ट करेगा, या फिर अच्छे उन्नति की ओर जाएंगे। हालांकि अन्य चिन्ह इनकी हथेली में अच्छी अवस्था में है, उसकी चर्चा हम बाद वाले अंक में करेंगे। लेकिन कर्ज उतरने की कुछ रेखा है गुरु क्षेत्र पे जाने वाली, ये रेखा है जो आयु रेखा से ये इनकी हथेली में दिख रही है, जो ये बतला रही है कि ये कर्ज से मुक्ति तो पा लेंगे लेकिन इनको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, चूँकि इनकी भाग्य रेखा यहाँ के बाद से रुकी हुई है, शनि क्षेत्र पर बिल्कुल नहीं पहुँची है, इसलिए एक समस्या हो रही है। इनका कर्ज उतरेगा, गुरु क्षेत्र पर ये रेखा बता रही है कि कर्ज उतरेगा, लेकिन इनको काफ़ी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।